कदरी बाबिया के मेले से जिते बहुत सारे साथी आए, साडा उगा कवि सुरजीत ज गग साढ़े आए शामिल है। गग साहब इस यूट्यूब चैनल पर अपने गल सी कर रहे हैं। गग साहब थोड़ी कविता तो बहुत मतलब जिते थोड़े लोग थोड़े हक च खड़े है कुछ मतलब मड़ीर टाइप लोग विरोध बहुत करते, तो मैं गग साहब को बेनती करना साढ़े इस चैनल राही साढ़े साथियों साढ़े दर्शकों साढ़े स्रोतों गल सी कर भी सानू किस तरह की कविता लिखनी चाहिए है, किस तरह की कविता बोलनी चाहिए है, तो जो साढ़े दर्शक है साढ़े स्रोते है उन्होंने पद्धर किहो जिहा होना चाहिए। सुरजीत गल, वैसे तो तुम अद्धी गल जवाब नाल ही देता है कि जी मंडीर तुम शब्द वरते है उसे फिर कविता का जोड़ा है किसी होर तरीके पहुँचना होंगे आ जिमें मैं कवितावान लिखिया ने बड़ी सरल भाषा में भी लिखिया ने ते थोड़ी गुंझलदार भाषा में भी है जो गुंझलदार भाषा में होंदिया ने उन्होंने बहुती बार विवाद भी हो जाता है तो बहुती बार सिर उपरों भी लंघ जाए ने जिहड़ियां सरल भाषा में है वो सारे लगभग उस लैवल के पाठकों भी समझ आ जिन्हों का कविता नाल कोई वाह वास्ता होंदा ही नहीं है। सो मैं कोई कविता का कोई मास्टर तो है नहीं है कि मैं दस सका कि किहो जी कविता लिखनी चाहिए है या किहो जी पढ़नी चाहिए हैगी है, पर जो भी साढ़े समाज में अगे लैके जाए अनपढ़ता और अंधविश्वास के खिलाफ जिस तरह की भी आवाज़ होवे उसका सहयोग करना चाहिए है, उसका सहयोग देना चाहिए है। गग साहब तुहाडी शायरी तो मतलब मैं तो बहुत प्रभावित हूँ घट्टो घट्ट, तो बहुत सारे स्रोते है बहुत सारे जो इनकलाबी धिर है वो थोड़ी इन्होंने गलों तो प्रभावित है। तुम बहुत कुछ लिखिया बहुत वधिया लिखिया थोड़ी जिवें एक पहली किताब आई सी उस किताब के टाइटल पेज पर जी कविता लिखी सी पिछले पिछले असी हरामजादे नहीं किवें तुम किरती लोगों का मुल पाया जिन्हों किरतियां बारे गुरु नानक साहब ने गल की भाई लालो की गल की सी वो बहुत कमाल की कविता सी थोड़ी जिसे समाज में समाज का गंद हूंझन वाले इज्जत बख्शी उस कविता के थोड़ी उन्होंने गलों तो लगता भी तुम बड़े इनकलाबी हो बड़े क्रांतिकारी ख्यालों वाले हो पर जदों इंज लगता भी आ फाशीवादी सिस्टम के एक बड़े गिने चुने ढंग के नाल बड़े एक प्लैंड सिस्टम के नाल विरोध किया जाता उदो दुख लगता जो गौरी लंकेश का कतल हों जो साढ़े होर दबिलकर वर्गियां का कतल हों अज साढ़े साईं बाबा जिहड़े साढ़े प्रोफेसर साहब है कहिंदे उह मतलब मरिया नालों वध जिंदगी मतलब उन्होंने सरकार जिहड़ा सिस्टम है उन्होंने जिउण वास्ते मजबूर कर रही है। तो इं इन हालतों के जिमें अज राणा अयूब ने इतने गुजरात फाइलों के जोड़े लेखक ने उगे पत्रकार ने अज इतने गल करके गए है इस हालातों के किमें आपकी कविता लें किमें लुकई में लेंगे हो गए। देखो जी हालात जिन्हें भी विरोधी होणगे कविता कह लो या साहित्य कह लो उन्ना ही तिखा होएगा। सो अपनी कविता की अगर असी गल करिए अपनी कविता दे विच जदों पिछली बार काली भाजपा की सरकार सी उदों खुल के लिखा हैगा उन्होंने खिलाफ और उदा कुछ ना कुछ असर भी होया असर सत्ता ते होवे जां ना होवे पर जिहड़े लोग ने जिहड़े लोग उन्हां नूं कवितावां नूं पढ़दे ने समझदे ने कि साडियां ही गल्लां कीतियां गईआं ने लोकां विच एक उम्मीद जागदी है आस जागदी है एक चानण जिहड़ी हैगी है चानण दी लीक अंदर पैदा हुंदी है लोग खुद उन्हां गल्लां नूं उठाउण लग पैंदे ने जिहड़े सिर्फ इस करके चुप हुंदे ने कि कोई बोलदा नहीं हैगा तां असीं वी की लैणा हैगा बोल के। सो इह बहुत सारे लोग ने जिहड़े कवितावां नूं साहित नूं पढ़ के बोलना शुरू कीता है जिन्हां ने लुट्टे जाण वाले लोगों को होर लुट्टिया जा रहा उन्हों का गला मतलब दबिया जा रहा नप्या जा रहा सानू जिहड़े कलमां वाले लोग हैं सानू उन्हां लोगों के हक च खड़ना चाहिए। यही गल बाबे नानक ने कही सी जदों असीं उह एक कैलेंडर देखते हैं साढ़े मतलब कलमकारां ने बनाया साढ़े कलाकारां ने बनाया भी एक च उह दुध निकल रहा एक च खून निकल रहा तो गुरु साहब ने भी इसे गल की गल की सी भी हक भराया नानका उस सूर सगाए जदों साढ़े कवि ये गल्लां लिखते हैं तो उन्हां दा गिणे चुने लोग विरोध करते हैं तो सिस्टम नूं साढ़े इन कवियों की राखी करने वास्ते उन्होंने मगर आना चाहिए लकाई वाली गल करनी चाहिए समाजवाद वाले पासे होना चाहिए पर गल्लां उल्ट पासे जा रही हैं इहो जिहे हालातों के तुसीं की महसूस करते ते महसूस तो कदे भी ठीक नहीं किया हैगा आ हालात जिन्हें ज़्यादा खराब हो गए ने अजकल जदों तो जिहड़ी हैगी है मोदी सरकार आई हैगी है इन्हां दा फाशीवाद नूं लागू करना लाया हैगा आ साहित्यकारां ते जिहड़े अगांहवधू लोग हैगे ने बुद्धिजीवी हैगे ने उन्हां ते हमले किए जा रहे हैं उन्हां दे परिवारां नूं लै के जो भी गंदमंद बकिया जाता हैगा आ इह सारा कुछ जदों असीं सिस्टम नूं असीं इहनूं देखदे हाँ तां सानूं लगदा है कि इह जाणबुझ के कीता जा रहा जाणबुझ के चिड़ाया जा रहा हैगा आ और इह करन दे पिछे जिहड़ा कारण हैगा आ उह उन्हां दीआं लोक मारू नीतियां हैगीआं ने जिहड़ियां उन्हां नूं लागू करना हैगा आ तां कि लोकां दा ध्यान जिहड़ा हैगा आ उन्हां दे बुनियादी मुद्दिआं तों हट के
धर्म वाले मुद्दे पासे आ जाए, संप्रदायिक मुद्दों पर आ जाए कि हिंदू मुस्लिम गां जां इहो जिहे जिहड़े मुद्दे उछाले जा रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान मन की बात विच जो भी हैगा आ उन्हां दा ध्यान वंड के आप बड़े वधिया तरीके नाल सरमाएदारी जिहड़ियां नीतियां ने सरमाएदारी दे हक विच उह लागू कर रहे ने। तो इतने फिर साड़ी जिम्मेवारी होर भी ज़्यादा बढ़ जाती हैगी है कि लोगों ये जो दूसरा पासा दिखाया नहीं जा रहा वो असी उगाड़ के पेश करिए। गग साहब ने अपने विचार अपने सांझे किए हैं। इस गदरी बाबा के मेले ते वो लोग आए जिहड़े भारत माता प्यार करते हैं, साढ़े शहीदों का सत्कार करते हैं। तो गग साहब तो या गग साहब की कलम तो या साढ़े इनकलाबी जोड़े कवि है उन्होंने कलम चो यही गल् निकलदियाँ भी सानू लुकाई का सत्कार करना बनता है, दब्बे कुचले लोगों की राखी करनी बनती है, ता जो लोग मतलब समाजिक बराबरी आर्थिक बराबरी हासिल कर सकन, साढ़े उन्होंने शहीदों का जो सुपना पूरा हो सके, भगत सिंह वर्गों का जो उन्होंने कहा कि बराबरी का समाज सिरजना असल आजादी लियानी है। हाँ, तो सारे का धन्यवाद।